कर दे, ठीक है। तो भी स्क्रीन रिकॉर्डर कोई डाउनलोड करूँ या चलेगा पे आ अपना? रहा है ना, यूट्यूब पे चल रहा है ये अभी? ना नहीं चल रहा, उस पे करना है ना, डायरेक्ट, उस पे होता है। ओके। रुको ट्राई करते हैं। YouTube लाइव वगैरह कुछ होगा? ये लाइव है। इसमें क्या है, सेटअप लाइव स्ट्रीम नाउ, डोंट वरी यू विल हैव अ चांस टू रिव्यू सेटिंग्स बिफोर यू स्टार्ट। नो सेटअप, इस ऑडियो रिकॉर्ड करें क्या? अच्छा, किसमें? हाँ अभी अभी हो रही है वॉइस रिकॉर्ड। भी इसका नाम क्या दे, इसमें एक ही बंदे का होगा पर स्ट्रीम में। वो एक ही बंदे का होगा। हाँ अभी वॉइस डाल देते हैं। है वो क्या आखिर है तो क्या क्या बोलते हैं उसको, पॉडकास्ट ही है ना आखिर तो। और नाम रुको रिकॉर्डिंग क्या? चालू। और रिकॉर्डिंग चालू है तो अभी बात करते हैं, पॉडकास्ट शुरू अपना, ठीक है? क्या बात करेंगे बोलो। कुछ फिजिक्स बात क्या करो है स्पेस उसकी के बारे तो। में। आवाज ठीक से नहीं आ स्पेस रही स्पेस के है बारे में बात करते हैं, स्पेस में। हाँ ठीक है पर आवाज स्पेस दे। के बारे में बात करते हैं। हाँ हाँ वो समझ गया पर आवाज इसमें आ रहा है बराबर मेरे पास? मुझे तो आ रहा है पर वो ऐसा कैसा टूट रहा है, खींच रहा है आवाज, स्ट्रेस पड़ रहा है आवाज पे। तो क्या करें अभी? अभी आ गए, चलो ठीक है। इतना नजदीक रख के बोलो, अभी स्पेस के बारे में आ रहा क्या है सब। आवाज? हाँ आ रहे आ रहे। इसमें क्या बोलते हो, अपना फेस ना दिखाए फिर भी चलेगा क्योंकि अभी तो सिर्फ आवाज ही रिकॉर्ड होगी, हमारा मेन फोकस आवाज पे होना ठीक है, चाहिए, सही है। ठीक है? मैं अपना कैमरा तो देख लो, मेरा तो सही है, पीछे का पूरा ब्लर हो गया। ये गूगल मीट वालों की पता नहीं। चलो भी रुको, सो गए सब या अभी सोने वाले हैं तुम्हारे यहाँ? सोने वाले हैं सब, सोने वाले ऐसा हैं। ऐसा कुछ बाहर जाके बात नहीं हो सकती, छत नहीं है, नहीं, नहीं। छत भी नहीं है। अच्छा बाहर बाहर भी नहीं होगा, ठीक है कोई नहीं, आज सिर्फ प्रैक्टिस सेशन रख लेते हैं और क्या है। मैंने OBS डाउनलोड किया था पर अभी ये OBS ये पता नहीं क्या कौन सा OBS स्टूडियो, वो भी उदेश वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए अच्छा है, सबसे बेस्ट वही है, किसी को भी पूछो ना वही रेकमेंड करता है। है। मेरा मेरा आवाज अभी क्लियर आ रहा है या नहीं? क्लियर हाँ अभी आ रहा है, तुम्हारा चेहरा आ रहा नहीं है। देख ठीक, रहा हमें। चेहरा चले गया, इतने में से ही आवाज अच्छा आ रहा है। स्टूडियो नहीं होगा, चलो शुरू कर देते हैं, ठीक है? लेट नाइट साई चैट। हाँ सिर्फ वही नाम है अपने पॉडकास्ट का, लेट ना लेट लेट नाइट साइंस चैट, साई चैट जो भी कह लो। अच्छा नाम है, पसंद आया मुझे। भी स्पेस के करें बारे में कौन सा टॉपिक है आज का? तुम्हें क्या लगता है, इंडिया को स्पेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, स्पेस रिसर्च में? ऑब्वियसली करना चाहिए, स्पेस के
स्पेस एजुकेशन के बिना तो देश कैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम स्पेस में अगर अगर इसरो को रैंक करें ना तो हमारी एजेंसी थर्ड आती है, मतलब ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में। तो अगर तुम ऐसी कोई भी एसेट को छोड़ दोगे, मतलब एसेट ही है ना वो, इसरो कितने करोड़ों का बिजनेस करता है अगर तुम्हें मालूम हो तो, शायद से वो काफी देशों की सैटेलाइट्स लॉन्च करता है। और पूरी दुनिया में अभी सबसे रिलायबल और कम कॉस्ट वाला कोई सैटेलाइट लॉन्च कर देता हो तो वो हमारा इसरो ही है। लेकिन और फिर बोलो। मतलब हमारा देश का सिचुएशन अच्छा नहीं है ना, इकोनॉमिक सिचुएशन, तो अच्छा हम स्पेस में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें हाँ, ये थोड़ा काउंटर स्टेटमेंट हो गया। देश की इकोनॉमी अच्छी नहीं है, तो कई वहां पे करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। वो जो चंद्रयान था, चंद्रयान 5, वो तो सक्सेस नहीं हुआ ना। फाइव चंद्रयान का टू, चंद्रयान टू, सॉरी, चंद्रयान भाई टू टू सॉरी चंद्रयान टू लोग समझेंगे ये कौन दो चंद्रयान बात टू कर रहे हैं। चंद्रयान कोई नहीं, चलो अभी टू चंद्रयान टू तो उसमें उसका अभी ज्यादा कुत्ते को सक्सेस हुआ इंटरेस्ट ज्यादा नहीं। आ रहा है, कुत्ते को भी डिस्कस करना है कि भाई हमको स्पेस में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। भी उसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि इन फ्यूचर अभी स्पेस है ना वो ग्रो करने ही वाला है, मतलब स्पेस की पूरी इंडस्ट्री है वो ऐसे ग्रो करेगी कि भाई सभी लोग मार्स पे जाने वाले हैं, हमारा काफी बड़ा पॉपुलेशन का जो हिस्सा होगा वो कम से कम अगले 100 साल में तो वहाँ पे चला ही जाएगा। उसके बाद हमको इंटर गैलेक्टिक स्पीसीज बनना है, इंटर दूसरे स्टार सिस्टम में जाना है, तो बिना स्पेस इन्वेस्टमेंट के तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि पॉवर्टी तो अमेरिका में भी है, यूएसए की पॉवर्टी परसेंटेज वाइज देखो तो इंडिया के आजू बाजू ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और अनएम्प्लॉयमेंट का रेट तो शायद उनका हमसे भी ज्यादा है परसेंटेज वाइज पॉपुलेशन, क्योंकि हम तो साइंस वाले और साइंस वाले तो हमेशा परसेंटेज ही देखते हैं, 10th में कितने हैं, 12th में कितने हैं, कंपैरिजन भी हमेशा सही परसेंटेज के सही बेसिस में। पे ही होता है फिजिक्स में भी। तो अभी परसेंटेज वाइज तो अच्छा ही है अपना। मैं एक इलन मस्क का इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहा था कि वो डिप्रेस हो गया है क्योंकि वो स्पेस में जा, मतलब मार्स में जा नहीं सकता, इसलिए कब देखा? एक टेड टॉक है, टेड टॉक, अच्छा उसमें वो बोल रहा था कि आई एम डिप्रेस्ड बिकॉज आई कैन नॉट गो टू मार्स। हाँ, उसका और मैंने भी एक वीडियो देखा था इंटरनेट पे, वायरल था कि आई एम डिप्रेस्ड ऐसा कुछ तो नहीं बोल रहा था, पर उसके जैसा सिमिलर ही था कि क्या था वो, याद आ गया, वैसा कहना चाहता था कि स्पेस मतलब कोई भी आदमी हर एक प्रॉब्लम के बाद दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, लाइफ में एन्जॉयमेंट जैसा कुछ होना चाहिए, वो सब बोल रहा था। और बोल रहा था कि मैं 80 to 90 hours a week काम करता हूँ, पर मैं किसी और को ये रेकमेंड नहीं करता कि आपको भी ये करना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्रेरी वो खुद के एम्प्लॉयज को रोक के रखता है, रात को भी जाने नहीं देता घर, अगर पता हो तो। ये जनरली लोगों को नहीं पता होता पर हमें पता है, क्योंकि ये बहुत ही ऐसे न्यूज आर्टिकल्स होते हैं जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता कि एलोन मस्क जो अपने पूरे एम्प्लॉयज होते हैं उनसे बहुत काम करवाता है, बहुत मतलब एक, वो भी खुद बहुत हाँ वो खुद तो करता ही है पर वो उसका बहुत ही एग्जीक्यूशन का मेहनती जो लेवल है ना वो नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि ड्रीम तो सभी देखते हैं, तुमने क्या कोई ड्रीम नहीं देखा होगा, समझ रहा वो भी फिजिक्स अगर फिजिक्स का स्टूडेंट है, फिजिक्स में उसने डिग्री की थी। और इकोनॉमिक्स दोनों में डबल डिग्री थी उसके पास, उसके बायोग्राफी कहाँ कहाँ पता है? चला गया वो।
अरे भाई वो उस जगह पे था, मतलब यूएसए में था, तब उसके पास अपॉर्चुनिटी थी। उसके पापा ने इन्वेस्टमेंट किया था शायद से $200, 200K, 200 नहीं, $200K जैसा कुछ इन्वेस्ट किया था। उसकी पहला जो वेंचर था ना, सबसे पहला जो उस एलन मस्क और उसके भाई ने साथ में शुरू किया था। X.com, जो X.com या हाँ, पेपाल कुछ जीप दोनों में एक्स, जीप या X.com दोनों में से एक था। भी कंपनी के नाम तो ज्यादा नहीं पता। आइंस्टाइन, उसके आइंस्टाइन ने बोला था कि भाई वैल्यू मत याद बाद रखो, उसका कॉन्सेप्ट याद रखो। कंसेप्ट याद है कि वो कुछ मैप्स बनाने की कंपनी थी। उसने तो पहले एक गेम बनाया था, वो गेम आज तक चल रहा है, ऐसा कुछ है अरे वो तो बचपन उनका में गेम में बनाया कुछ। था, अभी क्या पता कि वो कोई मार्केटिंग ट्रिक हो। अभी मार्केटिंग स्टोरीज तो बहुत चल दी। अभी अपन कल बड़े आदमी बन गए तो मैं भी स्टोरी चला दूंगा कि भाई मैंने एक पेज बनाया था फिजिक्स ओनली का, उसको ऋतिक रोशन आके फॉलो कर रहा फिजिक्स था। आ ऋतिक रोशन फॉलो कर रहा था और वो पेज दुनिया के टॉप 10 फिजिक्स पेज उसमें था। वो ऋतिक रोशन वाला कैसे हुआ? पता वो सच में नहीं, था क्या शायद। ऋतिक रोशन? हाँ, सच में उस अभी भी वो है ऋतिक भाई। रोशन जो लाइक आवाज नहीं आ रही, क्या बोल एक रहे? पोस्ट लाइक हुआ था ऋतिक, वाह, वो अभी भी एक पो पोस्ट लाइक हुआ था ऋतिक रोशन के। हाँ अभी भी कल ही किया था उसने और एक पोस्ट लाइक किया था। कोई मैथमेटिशियन और एक्ट्रेस थी ना उसका, था उसमें क्या बड़ी बात है, उसको पसंद है, उसकी पर्सनल लाइफ है भाई, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है उसकी पर्सनल लाइफ। अभी उसने मूवी की थी ना सुपर 30, तो उसका लगा साइंस में थोड़ा इंटरेस्ट आया होगा, क्योंकि वो प्रिपरेशन ऐसे करते हैं ना कैरेक्टर के। दोनों। हाँ, सही है। तो अभी नहीं, और अभी एक ये क्या, हो गया किसके बारे यार, में? दिमाग के बारे में। अभी हमारा मेन टॉपिक क्या था, एलन मस्क। कि एलन इलन मस्क मस्क, का टॉपिक है। उनकी उसकी उसको बोल उनकी बोलो उसकी बोलो, उसकी स्टोरी तो बहुत इंस्पायरिंग है। मतलब ज्यादातर यंगस्टर में आजकल मीम मटेरियल तो वही है, एलन मस्क बंदे की एक ट्वीट से पूरा मार्केट हिल जाता है। मतलब उसके खुद खुद की, मतलब ऐसे एक पैच बोलो ना, ब्रांड है एलन इलन मस्क इज ब्रांड। मस्क इंडिया में, वो इंडिया हाँ में टेस्ला चलाना चाहता है, इंडिया में वो टेस्ला चलाना चाहता है। तुम्हें लगता है वो चलेगा? सबको पता है इंडिया रोड में के टेस्ला बारे में, चलेगा? ऑटो पायलट के बारे में, और फिर लग्जरी सेगमेंट तो इंडिया में कहाँ इतना नहीं चलता। अभी फिर लग्जरी भी सेग टेस्ला जो वो सेल्फ ड्राइव करता है, वो सेल्फ ड्राइव करता होगा, मतलब तुम बैठे हो और मतलब टेस्ला का वो जो है कार है सेल्फ ड्राइविंग का, हाँ तुम ड्राइवर सीट पे बैठे हो। हेलो, हाँ तुम सुनाई दे ड्राइवर, रहा है ना? हाँ आ रहे, तुम ड्राइवर सीट पे बैठ हाँ, के। ड्राइवर सीट पे बैठे हो। वो गाड़ी खुद ही चल रहा है, गाड़ी खुद ही चल रहा है, तो मतलब वो कैसा लगता होगा वो? मतलब अच्छा वो होगा। ड्राइवर कंफर्टेबल बैठ, हाँ वो एक वीडियो था ना कि डर भाई तो लगता होगा। ड्राइवर गेम खेल रहा है और कार अपने आप चल रही है, और फिर और ये क्या हो सकता है कि ड्राइवर को अब लाइसेंस की जरूरत नहीं है, ड्रिंक कर सकता है अंदर जितना भी चाहे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, समझ रहा? लेकिन उसके लिए वो टेक्नोलॉजी पूरी तरह से अच्छी होनी चाहिए, मतलब कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। भी एक भी देखो मिस्टेक हो गया तो आदमी का क्या उसमें। अभी टिकटॉक तो बहुत सारे वायरल है कि जिसमें टेस्ला ऑटो ड्राइव करती है, बंदे बैठे होते हैं, गेम खेल रहे होते हैं या टेस्ला। मूवी देख रहे होते हैं। वो भाई देखो, टेस्ला एक ब्रांड है, मतलब वो लग्जरी कार है, तो एक शॉप के लिए हो गया। और ऑटो ड्राइविंग का फीचर तो अभी मेन स्ट्रीम कार कंपनीज में तो सिर्फ टेस्ला ही दे रही है, कंपटीशन से तो काफी आगे है अगर इलेक्ट्रिकल और ऑटो
ऑटो कार के बिजनेस में देखे ना, तो वो बंदा पहले, और इलन मस्क का ये भी है कि वो से ही मीडिया में ही रहता है। मतलब शायद जब से वो मिलियनर बना तब से वो इंटरनेट गाय है। वो खुद ही बोलता है एक मीडिया में, या जस्ट अनदर इंटरनेट गाय, या वो गॉट जस्ट रिच ड्यू टू इंटरनेट एंड ऑल दैट शिट। वो बोलता है ऐसा। तुम कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? मैं बोल रहा था कि इलन मस्क वो स्पेस एक्स और इसको छोड़ के भी वो सोलर एनर्जी पे लगा हुआ है, मतलब कैसे हम मतलब जो सन से उससे ही हम एनर्जी क्रिएट कर सकेंगे, और ज्यादा मतलब ये जो हम वाटर और इसमें से कोल पेट्रोलियम इसमें से एनर्जी मतलब क्रिएट ना हो उसमें भी वो लगा हुआ है, मतलब इतनी जगह उसका माइंड चल रहा है अभी। हाँ, तो भी वो तो सोलर एनर्जी तो फ्यूचर है, वो तो सबको ही पता है, क्योंकि पेट्रोल और सब खत्म होने वाला है। सबको ये नहीं पता कि भाई एक दिन सन की भी डेथ हो जाएगी, वो भी एक स्टार ही है आखिर। नहीं अभी वो इंडिया में भी वो सोलर एनर्जी का भी अभी नहीं चल रहा है ठीक से, अभी भी सोलर एनर्जी उतना आया नहीं है इंडिया में, आना चाहिए, बहुत सोलर नेसेसरी है वो। एनर्जी, नहीं सोलर एनर्जी के सारे, सबसे दुनिया के सारे मोस्ट ऑफ द बिग प्रोजेक्ट्स आर फ्रॉम इंडिया ब्रो। गवर्नमेंट ही बना रही है सभी के सभी सोलर प्रोजेक्ट्स। अभी गुजरात लेकिन में शुरू हुआ, फिर ऑलरेडी एक मध्य प्रदेश में सोलर पार्क है, और एक जगह सोलर कुछ 2 वर्ड्स आते हैं, एक सोलर पार्क आता है और एक कुछ होता है दूसरा नहीं पता। एक को सोलर पार्क कहते हैं, वो भी सबसे बड़ा इंडिया में है पूरे वर्ल्ड में, और दूसरा भी कुछ ऐसा ही होता है, वो भी सोलर इंडिया में ही है। और अभी कैनल के ऊपर बात करो, मतलब कि कोई भी कैनल के ऊपर सोलर पैनल लगा दो तो वो भी सबसे बड़ी इंडिया में ही है। अभी यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है वो, कि किसी भी कैनल पे सोलर पैनल लगी हो। तो यहाँ और सब एक एनर्जी का सोर्स है न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी पर वो वेस्ट वो बहुत होता भी है, वो तो न्यूक्लियर वेस्ट डर बहुत होता है ऐसा सुना है मैंने, पता नहीं बहुत कुछ। लेकिन मैंने कुछ आर्टिकल पढ़ा है कि न्यूक्लियर वो लोग जितना सोचते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी इतना बुरा है वो इतना डेंजरस हो सकता है, उतना है नहीं एक्चुअली, मैंने कहीं पढ़ा था वो, हमारा एक आर्टिकल है फिजिक्स ओनली में इज न्यूक्लियर एनर्जी थ्रेट और समथिंग, हाँ, तुमने ही हमारी लिखा वेबसाइट था, में ये आर्टिकल है। तुमने ही लिखा था, हाँ रिटन बाय सोम अभिषेक। मैंने ही लिखा है। ओ विंटर, एक विंटर वाला है, एक थ्रेट टू ह्यूमैनिटी है, दो है शायद से। इस न्यूक्लियर न्यूक्लियर विंटर विंटर, समथिंग हाँ मतलब हमको प्रमोट करना वो चाहिए फिल्मों अपना में ज्यादा आर्टिकल। होता है न्यूक्लियर विंटर। हमको अब कल से ना नाम याद रख लेने के, कि भाई इस आर्टिकल का ये नाम है, इस आर्टिकल का ये नाम है, फिर प्रमोट करेंगे अपने पॉडकास्ट में। सही है और फिर ठीक है। तो कल से शुरू करते हैं, ये शुरू ही हो गया, ये आज का पहला पॉडकास्ट हो गया है अभी। हाँ, आवाज थोड़ी ठीक है ऐसी ऐसी है नहीं अभी। ये पहला एपिसोड है, हाँ, पहला एपिसोड है या जीरो कह लो। ये पहला एपिसोड है। पहला या ओके जीरो, जो ठीक भी है, नाम रखना हो रख ले। लोग अगर वो चंद्रयान 5 सुन ले तो थोड़ा पागल समझेंगे, कौन सा? चंद्रयान 5 वाला जो कौन सा? अरे भाई चलेगा, उसमें क्या है, पहले कहा कट कर दो क्या उसको? हाँ ऑडा सिटी है ठीक तुम्हारे लैपटॉप में? ऑडा सिटी है? नहीं तो तुम नहीं है डाउनलोड, वाईफाई है ना तुम्हारे पास? डाउनलोड कर दूंगा ठीक है, वाईफाई है ना तुम्हारे पास? डाउनलोड कर दूंगा। भाई पूछ रहा हूँ, वाईफाई है ना? तो कर लेना, तो लिंक लिंक तो नहीं, वो मिल जाएगा, उस पर मैं भेज दूंगा, तुम एडिट कर लेना ऑडियो अपने हिसाब से, ठीक है? पूरा का पूरा चलेगा। कर ठीक है रहे हैं? ट्राई करूंगा।
करना है तो ही बोलो, वरना ट्राई मैं करूंगा ट्राई करूंगा। तो क्या करूंगा कि जो स्टार्टिंग में थोड़ी बकवास थी वो निकाल दूंगा, स्टार्ट वहां से स्टार्ट होगा, फिर पूरा कंटिन्यूअस अभी 1 से 2 मिनट पहले तक का रख दूंगा। ठीक है तुम कर लो, तुम कर लो। चलेगा ना वो चंद्रयान 5 वाला? हाँ चलेगा चलेगा वो, ठीक ये चलेगा। भी डाल दो क्या, वो मिस्टेक हो गया थोड़ा, कौन यहां तक की बात डाल दो सा ये। हाँ कि हाँ डाल दो डाल दो डाल दो डाल भाई दो, एडिट करना है नहीं ठीक करना है। कल से हम कुछ नहीं डाल दो, कल से हम क्या कल क्या डिस्कस करें। कल से हम वीडियो कैमरा ऑन होगा, देख लेना क्या करना है क्या नहीं। अभी तो माइक ऑन है, कल कुछ थोड़ा स्पेसिफिक। थोड़ा स्पेसिफिक नहीं भाई, स्पेसिफिक नहीं करना हमको, और नहीं स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक से स्टार्ट करना है, कुछ स्टार्ट करके हम चले जाएंगे कहाँ कहाँ। आज हमने स्पेस से शुरू किया था और इलन मस्क अभी न्यूक्लियर एनर्जी पे कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। ठीक हाँ ठीक है वैसा करते हैं। चलो है टॉपिक मैं देता हूँ कल तुमको। रिलेटिविटी पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रिलेटिविटी हाँ ठीक है, रिलेटिविटी पे करेंगे पूरा का पूरा डीप डिस्कशन करेंगे मतलब लो। स्टार्ट करेंगे रिलेटिविटी हाँ से, रिलेटिविटी से स्टार्ट करेंगे वो आइंस्टाइन और कहाँ का न्यूटन पे चला जाएगा। गैलीलियो से स्टार्ट करेंगे रिलेटिविटी। कौन सी सही है, रिलेटिविटी, गैलीलियो वो न्यूटन आइंस्टाइन सब आ जाएंगे वहां पे। कौन सी रिलेटिविटी करनी है, कौन सी रिलेटिविटी करनी है, मतलब गैलीलियो वाली स्पेशल जनरल रिलेटिविटी के पूरी सब हो रिलेटिविटी? जाएगा वो, एक में ही हो जाएगा वो, ठीक है कर एक देते में ही हैं, हो जाएगा। बाद में अलग पॉडकास्ट निकालेंगे अगर ठीक कुछ सक्सेस हुआ इसमें तो। और क्या चल है रहा है सही तुम्हारा, है ठीक गेट का है। खत्म हो गया? नहीं जाम मेरा आईआईटी जाम वो था संडे, वो ठीक ठाक गया, अबे देखते हैं क्या होता है रिजल्ट बनने। नहीं तुमने ही कहा था ना कि वो शायद ब्रेक लोगे 1 ईयर का, मेरा या मेरा कोई दूसरा दोस्त के, हाँ वो तो कह रहा था, तुम्हारा क्या है, तुम भी लेने वाले हो? नहीं मैंने लिया था एक एक 1 ईयर ड्रॉप ओके किया था मैंने ओके, आईआईटी वो जाम के खत्म लिए। हो गया, वो भी खत्म फिर हो भी गया वो, ठीक ठाक अभी मैंने गई। एग्जाम दिया है ना। ठीक ठाक अभी तब गया है, तक देखते कुछ हैं फिजिक्स का रिजल्ट आने पे करना, पता चलेगा। क्या फर्क पड़ता है रिजल्ट से, रिजल्ट से क्या फर्क पड़ता है? अरे अभी देखते हैं क्या होता है, ऐसे देखते हैं। टॉपिक डिस्कस इधर नहीं, इधर पॉडकास्ट में नहीं डिस्कस करने के, चलेगा ना इधर तक का पॉडकास्ट? अभी ये भी आगे भी आएगा थोड़ा, जितनी बात चलेगा होगी, चलेगा जितने ज्यादा वॉचिंग आवर्स बढ़ेंगे चलेगा। उतने जल्दी एडसेंस आएगा ना फिजिक्स ओनली पे। फिर सही है। एक बार अगर 100 के जैसे व्यूज आ गए एक आध वीडियोस में, फिर नई चैनल शुरू कर देंगे, उसमें व्लॉग बनाएंगे अपने पर्सनल। ठीक है चलो अभी करते हैं खत्म, गुड नाइट, गुड नाइट, टाटा बाय बाय। आज के लिए इतना ही। आज के लिए इतना ही, जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।